पहले ब्राजील, उसके बाद अमेरिका और यूरोप की तरफ से भारत से होने वाले एक्सपोर्ट को रोकने की तैयारी शुरू की जा रही है। लेकिन इस बार यह फैसला कुछ जरूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया को फायदे होंगे। लेकिन इनिशियली इससे भारत को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आज भारत देश करीब 170 देशों को स्टील एंड आयरन एक्सपोर्ट करता है, और डेटा वाइज देखा जाए तो चीन के बाद भारत ही सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर स्टील एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां भी यूरोप के अंदर स्टील का प्रोडक्शन करती हैं, जिसके बाद ओवरऑल भारत के स्टील इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश बन रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही यूरोप की तरफ से फैसला लिया गया था, जहां पर डिसाइड किया गया कि 2030 तक यूरोप के अंदर जो ग्रीन हाउस का एमिशन है उसमें 55% तक कटौती की जाएगी। पहले ये टारगेट करीब 40% था, लेकिन अब इसे 55% किया गया है, और इसी इमिशन में कटौती करने के लिए CBM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लाया गया है, जिसके तहत जो भी कंपनीज यूरोप के अंदर स्टील का प्रोडक्शन करती हैं जिसमें भारी मात्रा में कार्बन निकलता है उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी कार्बन को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से कुछ क्रेडिट खरीदने होंगे। लेकिन अभी तक ये रोल सिर्फ यूरोप के बॉर्डर के अंदर में था, लेकिन अब इसे यूरोप के बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर अपनी जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और इसे कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजंस लिए हैं। असल में अब यूरोप के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही थी उन्हें काफी मोटा पैसा देकर के कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ते थे, इसलिए उन कंपनियों ने डिसाइड किया कि वह भारत, चाइना और कई ऐसे देशों के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे जहां पर कार्बन इमिशन को लेकर के कुछ खास नियम कानून नहीं है, जिससे वह आसानी से भारी मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं और स्टील साफ तौर पर यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यूरोप ने डिसाइड किया है कि वहां पर आने वाला जो भी स्टील है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, और अगर उस कंपनी ने किसी भी देश के अंदर कार्बन क्रिएट करते हुए स्टील को प्रोड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे, अदरवाइज यूरोप के अंदर उस स्टील को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और माना जा रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए यूरोप की तरफ से लिया गया यह एक बड़ा फैसला हो सकता है, और यह फैसला अचानक से लिया गया है जिससे भारत की स्टील इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, यदि भारत की स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो आज नहीं बल्कि भारत 4000 साल पहले से ही स्टील एक्सपोर्ट करता रहा है, और करंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत 170 देशों के अंदर अपने स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिनमें वियतनाम, नेपाल, इटली, यूएई, चाइना, बेल्जियम, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं, जहां साल 2022 में चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका था, और इसमें भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री है, जहां पर अगर हम स्पेशली इंडियन कंपनी की बात करें जो यूरोप के अंदर ऑपरेट हो रही है तो सबसे पहला बड़ा नाम है टाटा स्टील का। टाटा स्टील भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाती है, जिनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक यूके में है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 5 TPA है, और दूसरी नीदरलैंड के अंदर है जिसकी कैपेसिटी करीब 7 मिलियन टन पर एनम है। इसके अलावा JSW स्टील, जिंदल, आर्सेलर मित्तल जैसे कई प्लेयर से जो इंटरनेशनल मार्केट में स्टील एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन भारत के अंदर भारी मात्रा में पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, और भारत के टोटल स्टील प्रोडक्शन का करीब 35% हिस्सा यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 2022 में करीब $8.2 बिलियन की थी। लेकिन अभी तक जो भारतीय कंपनी यूरोप के अंदर काम कर रही थी वो उनके रूल्स और रेगुलेशन से चल रही थी, लेकिन अब भारत के बाहर भी उन कंपनीज पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो यूरोप के अंदर स्टील एक्सपोर्ट करती है।
$8.2 बिलियन की ये इंडस्ट्री अब सीधे तरीके से इम्पैक्ट में आने वाली है। अब देखते हैं कि यूरोप थोड़ी सी रियायत देता है या फिर नहीं। अगर स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अपनी पूरी जान भारतीय इंपोर्ट को रोकने में लगा चुकी है, जिससे बढ़ती हुई भारतीय इकोनॉमी पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन बढ़ते रहने की जिद में आज भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे यूरोपियन गैंग के मुंह पर ताले लग चुके हैं। कमाल की बात यह है कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन चीन जैसी इकॉनमी को उठाने के लिए इलीगल इंपोर्ट को अपने यहां पर जगह दे रहा है, और दूसरी तरफ भारत के लिए ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें नए नए भारतीय गुड्स को प्रतिबंधों के घेरे में डाला जा रहा है। सबसे बड़ी और बेहतरीन खबर को हमने आखिरी के लिए छोड़कर रखा है। पहले यूरोपियन गैंग के कारनामों के बारे में जान लेते हैं और बताते हैं कि यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरोपीय देशों को मैनली इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट भारत से आता है, और इन गुड्स में हैवी मशीनरी, स्टील प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट शामिल होते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल के मुताबिक कुछ यूरोपियन देशों ने भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से इटली में भारतीय गुड्स का इम्पोर्ट 23%, नीदरलैंड में 52% और बेल्जियम में 21% कम हुआ है। यूरोपीय देशों के अलावा चीन, सिंगापुर और इंडोनेशिया ने भी भारतीय गुड्स का इम्पोर्ट काफी हद तक कम कर दिया है। इम्पोर्ट बैंक के अलावा घरेलू मार्केट में रॉ मटेरियल के बढ़े दामों ने भी भारतीय एक्सपोर्ट पर लगाम लगाई है। कमाल की बात यह है कि जहां यूरोपियन कंपनी कार्बन टैक्स को बचाने के लिए भारत में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है, वहीं कार्बन एमिशन के नाम पर भारतीय इंपोर्ट पर यूरोपीय देश इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। लेकिन बुरी खबर के अलावा कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट को हो रहे भारतीय एक्सपोर्ट में 2.2% का इजाफा देखा गया है। वहीं यूएई को करीबन 3% और यूके को 7% एक्सपोर्ट और बढ़ा है। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या यूरोपीय देश इससे कार्बन एमिशन को रोक पाएंगे या फिर नहीं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।